मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सिंचाई के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए जिन जगहों को चिन्हित किया गया था वहां जल्द से जल्द प्लांट लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले लिए गए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि आज सिंचाई के लिए सोलर पंपों की स्थापना को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने तय किया है कि जहां पर अभी बिजली नहीं है वहां सोलर पंपों को प्राथमिकता देकर मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को तत्काल लागू किया जाए। प्रदेश में जिन स्थानों को ऑक्सीजन प्लांट के लिए चिन्हित किया गया है वहां जल्दी से जल्दी प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे प्लांट लगवाने के लिए 50% सब्सिडी भी यथावत रखी गई है। बिजली की दरों में रियायत 1 रुपये प्रति यूनिट कायम है। अब अग्निशमन यंत्रों में भी सरकार ने सब्सिडी देने का कहा था, वो अब भी लागू है और उन्हें शीघ्र लगाने के आदेश दिए गए हैं। आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुए, जिसमें आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। मध्य प्रदेश के अंदर सभी चिन्हित स्थानों पर जहां मार्किंग की गई थी वह ऑक्सीजन प्लांट जल्दी से जल्दी लगाने के उद्देश्य से आज निर्देश कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने दिए। इसमें वो सारी चीजें जो प्लांट लगाने वालों को 50% सब्सिडी जो समय देने का तय किया था कोविड की गंभीरता जब बनी हुई थी वो आज भी यथावत कायम है। बिजली की दरों में रियायत का जो समय था वो आज भी कायम है 1 रुपये प्रति यूनिट वाला। अब अग्निशमन यंत्रों पर भी जो सब्सिडी उस समय देने का कहा था वो वर्तमान में लागू है और शीघ्र लगाने के आदेश आज कैबिनेट के द्वारा किए गए। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है कि सिंचाई के लिए सोलर पंपों की स्थापना को मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को स्वीकृति और सहमति दी है। कैबिनेट ने तय किया है कि जहां पर अभी बिजली नहीं है वहां सोलर पंपों को प्राथमिकता देकर जो मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना है उसे तत्काल लागू किया जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।